चौथे चरण का मतदान कल समाप्त हुआ। शाहजहाँपुर लोकसभा चुनाव में क्या कुछ माहौल रहा, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर कितना वोट प्रतिशत इस बार रहा और क्या माहौल रहा। क्या नाम है आपका? शिव कुमार नाम है। किस तरीके का माहौल रहा पूरे दिन, आप लोगों ने ग्राउंड जीरो पर कवरेज करी थी? देखिए, शुरुआत में कल जिस तरीके से मतदान शुरू हुआ था, बहुत धीमा मतदान हुआ था। जैसे जैसे दिन आगे की तरफ बढ़ा था और तो मतदान में लोगों की रुचि कुछ ज़्यादा पैदा हुई थी, लेकिन आखिर में जाते जाते जो उम्मीद की जा रही थी, जिस तरीके से प्रशासन ने मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की अपील की थी, उसके मुकाबले बहुत निराशा हाथ लगी। 55.6% जो 2019 में प्रतिशत मतदान प्रतिशत हुआ था, वो घटकर अब 53.56 रह गया। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं में उदासीनता रही है मतदान को लेकर। और जहाँ तक हम चुनाव की जो फाइट की बात करें कि चुनाव कैसा रहा, क्या नतीजे उसके निकल सकते, तो चुनाव बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ पर मुकाबला समाप्त बीजेपी के जो सिटिंग सांसद हैं अरुण सागर और सपा गठबंधन की जो प्रत्याशी ज्योत्सना, उनके बीच में रहा। मजबूती के जीत का कोई एक प्रत्याशी दावा नहीं कर सकता। देखिए, अरुण सागर पिछली बार 2019 में 268,000 वोटों से जीते, जो एक बहुत बड़ा अंतर था पूरे मंडल में। ज़बरदस्त वोटिंग भी इस बार उनके पक्ष में भी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो ज्योत्सना जो सपा प्रत्याशी थी, गठबंधन की प्रत्याशी थी, उनको भी जमकर वोट मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने मतदान खूब किया है। उसके बाद आप देखेंगे तो जो मुस्लिम मतदाता है, उसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। यानी कि जो नाराज़ लोग थे, जो कुछ ये भी बातें निकल कर सामने आई थी कि जो अरुण सागर जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, तो लोगों के बीच इस बात की नाराज़गी थी कि वो लोगों के बीच में नहीं गए, इसको लेकर नाराज़गी, तो कुछ उनके जो वोट कट के समाजवादी पार्टी की तरफ गए हैं। मुकाबला बहुत ज़बरदस्त है। अभी आप किसी तरीके से आप जाएंगे तो आपने खुद भी देखा या चर्चा कहीं करेंगे तो कोई इस बात को लेकर सुनिश्चित नहीं कर सकता कि जीत किसकी होगी। फिलहाल मुकाबला बहुत ज़बरदस्त हुआ है। अब EVM स्ट्रांग रूम में पहुंच गई है, 4 तारीख को देखेंगे बिल्कुल नतीजे। मुकाबला बहुत ज़बरदस्त था जहाँ पर हुआ है। कुछ पत्रकार और भी हमारे साथ मौजूद, उनसे भी जानेंगे कि आखिर पूरे दिन माहौल क्या रहा, वोट प्रतिशत आखिर कम क्यों रहा, क्या वजह रही। क्या नाम है? ये वोट परसेंटेज जो है वो कम होने की वजह एक तो ये है कि जो है वीकेंड था, यानी कि लोगों को, शहरी मतदाताओं को के पास जो है वो वीकेंड के 3 दिन मिल रहे थे, तो इस वजह से भी उन्होंने अपना प्लान बना लिया बाहर जाने का है। और इसी वजह से जो है वो शहरी मतदाता का मतदान प्रतिशत जो है वो कम रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं का मतदान प्रतिशत जो है वो इसके मुकाबले ज़्यादा बेहतर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पूरा मतदान था, वो मतदान जो है वो मोदी के इर्द गिर्द हुआ है, मोदी और योगी के इर्द गिर्द हुआ है। यानी कि मोदी को पसंद करने वाले और मोदी को नापसंद करने वालों के बीच में रहा है, हैं। और इसमें जो लोग मोदी और योगी की नीतियों को पसंद कर रहे हैं या उनके फेस को पसंद कर रहे हैं या उनकी पर्सनालिटी को पसंद कर रहे हैं, उन्होंने जो है बीजेपी को वोट दिया है। और जो इनसे इतर हैं या जो इनको नहीं पसंद कर रहे हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया है। अगर हम इसको थोड़ा सा संशोधन ये भी करना चाहेंगे कि समाजवादी प्रत्याशी को वोट नहीं मिला, बल्कि मोदी के विरोध में वोट मिला है, कि जो विरोध करने वाले लोग थे वो विरोध में वोट दिया है। क्यों? हमें बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कि जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से जो कि यहाँ पे खड़ी थी, वो प्रत्याशी जो है वो यहाँ पे नई थी, इस जनपद की नहीं है, और उन समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशी का टिकट बदल करके उन्हें टिकट दिया, तो वो तो लोगों को लोग उन्हें नहीं जानते थे, ना उनका नाम सुना था इससे पहले, ना उनका फेस देखा था, ना उन्होंने अपना प्रचार इस लेवल पे कर पाए कि वो आम आदमी के पास पहुंच पाए कि हाँ हम जो है समाजवादी पार्टी के। तो वो उनको जो मोदी और योगी के विरोध के जो वोट थे वो सारे वोट मिले हैं। क्या कोई और मुद्दा भी रहा, कोई जो वोटिंग परसेंट कम रहा है? नहीं, मुद्दा हमें नहीं लगता है कि मुद्दे की वजह से वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। ओवरऑल एक चीज़ ये भी थी कि जिस तरीके की शाहजहाँपुर में स्पेशली बात करें कि जो एक तरीके से समाजवादी पार्टी का जो प्रचार था वो इतना ढीला था कि बीजेपी या उनके समर्थकों ने मान लिया कि जो है कि हमारा प्रत्याशी तो जीत ही गया है, तो एक तरीके से कहें कि ओवर कॉन्फिडेंस भी था।
तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी जो है जो बूथ लेवल के या पन्ना प्रमुख जो इनके थे वो लोग उतने सक्रिय नहीं हुए, जिसकी वजह से भी वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है। और एक दूसरी चीज़ ये भी थी कि जो मुस्लिम बाहुल्य वाले इलाके थे उन इलाकों में भी जो है वोटिंग कम हुई है। तो क्या माना जाए कि किसकी फाइट है यहाँ पर, कौन जीत रहा है यहाँ पर? नहीं, अभी अगर हम कहें तो फाइट तो है, लेकिन अगर हम फाइट जैसी बीजेपी का प्रत्याशी पिछली बार जीता था उतना से तो अब उम्मीद लग रहा है कि उतने से शायद ना हो जीत, क्योंकि लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे। लेकिन फाइट तो है, लेकिन जीतने की संभावनाएं बीजेपी प्रत्याशी की अभी भी ज़्यादा है। तो प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी की संभावना ज़्यादा है, कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि प्रत्याशियों को लेकर उदासीनता भी रही है जो वोटर थे। क्या नाम है आपका? विनय। क्या माहौल रहा पूरे दिन, आपने रिपोर्टिंग की, वोट प्रतिशत इतना कम क्यों रहा पिछली बार से? देखिए, अगर 3 चुनाव की बात करें तो 2009 में करीबन 46.8 रहा था, और उसके बाद 2014 में करीब 55% रहा, इसके बाद 2019 में देखा जाए तो वहाँ पे 57% रहा था, इस बार जो है घट के 53% पे आ गया। तो कुल मिला के धीरे धीरे लोग घरों से निकले, और छुट्टी का भी दिन था, लंच के बाद थोड़ी स्पीड पकड़ी थी, उसके बाद जो परिणाम निकल के आया वो 53% ही निकल के आता है। क्या कुछ घटनाएं भी हुई थी क्या क्षेत्रों में? छुटपुट चीज़ें हुई, कहीं बहिष्कार हल्का सा फुल्का, फिर प्रशासन ने जाके वहाँ पे समझा दिया, तो उसके बाद फिर वो ख़त्म हो गई, वो उस तरीके की समस्या। लेकिन देखा जाए जो ददरौल का उपचुनाव भी था, तो वहाँ भी हमने वोटरों से बात करी, तो वहाँ भी उनसे मुद्दे की बात करी, तो उन्होंने यही बताया कि मुद्दा कुछ नहीं है उनके लिए, केवल मोदी और योगी का चेहरा है। तो क्या माना जाए किसका, किसकी सीट निकल रही, समाजवादी गठबंधन की या BSP की या भाजपा की? देखिए, BJP का पलड़ा भारी है, कुल मिलाकर टक्कर तो दोनों में ही है, सपा और BJP में ही है। पत्रकारों का कहना है कि टक्कर कड़ाके की है, भाजपा के जो विधायक, वो भाजपा के जो पिछले सांसद थे वो दोबारा रिपीट भी हो सकते हैं, मतलब कुछ और भी लोग हैं उनसे भी जानेंगे। क्या वजह रही कि वोट प्रतिशत इतना कम क्यों रहा? वोट प्रतिशत सुबह तो एक बार अच्छे से शुरू हुआ कि लोग घरों से निकले वोट करने के लिए, लेकिन बाद में जैसे जैसे धूप बढ़ी तो थोड़ा सा जो था जो ग्राफ बढ़ रहा था वो एकदम रुक गया, लेकिन दोपहर बाद फिर से जो है थोड़ी तेज़ी पकड़ी। तो दूसरा कारण ये भी है कि बहिष्कार कई जगह पर हुआ चुनाव, तो उसका नुकसान जो है BJP को मिल सकता है। अगर पुआ विधानसभा की बात की जाए तो मुझे लग रहा है करीब करीब 5 से 6 जगह ऐसी रही जहाँ पर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। समस्याएं वही थी छोटी छोटी की, गांव में सड़कें हैं, नालियां हैं, गलियां हैं, उनको लेकर जनप्रतिनिधियों ने पहले ध्यान नहीं दिया, लोगों को ये कहना था। तेलहर विधानसभा की बात की जाए, एक गाँव ऐसा रहा जहां पर करीब 3 बजे पोलिंग शुरू हुई, फिर जलालाबाद में भी कई जगह पर बहिष्कार की बातें आईं। तो वही छोटे छोटे मुद्दे थे जिसको लेकर जो था कि वोट प्रतिशत जो था वो भी वजह हो सकती है कि बहिष्कार की वजह से। माना जाए कौन बन रहा है शाहजहाँपुर का सांसद? सांसद की बात की जाए, पलड़ा BJP का डेफिनेटली भारी है, वजह सिर्फ यही है, कैंडिडेट यहाँ पर मायने नहीं रखता। यहाँ पर प्रधानमंत्री का चेहरा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा जो है वही एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा, भाजपा के पास यहाँ पर एक बड़ी टीम है संगठन में अगर बात की जाए, उसके अलावा फिर जो जनप्रतिनिधियों की अगर बात की जाए, शाहजहाँपुर में 6 विधायक हैं, 15 ब्लॉक प्रमुख हैं, उसके अलावा फिर राज्यसभा सांसद, फिर लोकसभा सांसद, इसके अलावा MLC भाजपा के हैं। तो समाजवादी पार्टी वो पिछड़ती इस वजह से है कि भाजपा के पास इतनी बड़ी फौज है जिसमें 3 मंत्री भी हैं, शाहजहाँपुर से अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी में बड़ा बिखराव सा दिखा, कोई एकजुटता नहीं दिखी। तनवीर खान ज़्यादातर देखे गए, जो कि जिलाध्यक्ष हैं यहाँ से समाजवादी पार्टी के, वो दिखे, बाकी और कुछ नेता वो तो दिखे, लेकिन जो BJP भारी है यहाँ पर, जो ex MLA हैं वो कहीं ना कहीं किनारा करते दिखे, और भी नेता जो, तो ये भी एक बड़ा कहें कि कमी रही, यानी कि 1 man army वाला ही सिचुएशन यहाँ पर दिखी। हमारे साथ कुछ और पत्रकार भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्या प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का चेंज हुआ, क्या उसकी वजह से वोट प्रतिशत कम हुआ है या कुछ और वजह रही? क्या नाम है आपका? संजय श्रीवास्तव। क्या वजह रही वोट प्रतिशत इतना कम रहा, क्या प्रत्याशी चेंज हुआ था भाजपा समाजवादी पार्टी का, या उसलिए या कुछ और वजह? देखिए, उम्मीद तो लगाई गई थी कि वोट प्रतिशत बढ़ेगा, सुबह जैसे मतदान शुरू हुआ था तो भीड़ पोलिंग स्टेशनों पे थी, फिर धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ती रही, है ना, लोगों को वीकेंड का भी लाभ मिला, तो
तो ये सब चीज़ें हुई जिससे वह वोट प्रतिशत काफ़ी घटा है। और हम अगर शहरी इलाके की बात करें तो हम कल नगर निगम पे थे तो वहाँ मैंने पता किया, जब पोलिंग हो गई थी तो वहाँ पता चला कि सिर्फ 34% ही पोल पड़े, तो यानी इतने कम वोट पड़े। और अगर ग्रामीण कल इलाकों की बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों में अच्छे खासी वोटिंग हुई थी, है ना। तो कहीं ना कहीं शहरी इलाकों में वोटिंग वोट प्रतिशत बहुत डाउन रहा। क्या माना जाए, जागरूकता की कमी थी, प्रशासन नहीं जागरूक कर पाया जी? कहीं ना कहीं जागरूकता की भी कमी थी कि प्रशासन को चाहिए था कि लगातार लोगों को अवेयर करते रहते कि यहाँ वोट आप डालिए, आके आपका अधिकार है, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी कि इतने कम प्रतिशत वोट पड़े। और आगे की बात बताया जाए कि यहाँ जो ज्योत्सना कश्यप जी हैं उन्हें बहुत कम समय मिला, समाजवादी के जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं तो उन्हें बहुत कम समय मिला। नामांकन के समय उनका नाम खोला गया, उन्होंने पर्चा भरा तो उनके पास काफ़ी कम समय रहा। और यहाँ जो मौजूदा सांसद इस समय थे अरुण कुमार सागर, वो और उनका फाइट है, अच्छी खासी फाइट चल रही है दोनों में, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। पत्रकार लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर शाहजहाँपुर में भारी लग रहा है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, पत्रकार मौजूद, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या रहा पूरे दिन का माहौल, आप पूरे दिन आपने कवरेज की थी जी। सबसे पहला तो कारण ये रहा कि जागरूकता की कमी रही। मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में रिपोर्टिंग की और मैंने वहाँ पे ये देखा कि प्रशासन हो या नेता लोग हों, वो जनता को जागरूक करने में थोड़े नाकाम रहे, और प्रत्याशियों को लेकर नाराज़गी भी दिखी, क्योंकि शायद जो क्षेत्रीय समस्याएं थी लोगों की जो, तो शायद प्रतिनिधि जो यहाँ के थे पहले के, वो उसको पूरा नहीं कर पाए, उन समस्याओं को समाधान उनका नहीं कर पाए हैं। इसीलिए जो है जनता ने इस बार नोटा का बटन भी बहुत दबाया है, और यही प्रमुख वजह रही है। और कुछ मौसम में भी उतार चढ़ाव आता रहा, तो इसलिए कतारें जो हैं कभी लंबी भी हुई हैं, दोपहर में कुछ कम हुई हैं, उसके बाद शाम को फिर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। क्या लग रहा है पूरे दिन आपने कवरेज की, कौन बाजी मार ले जाएगा शाहजहाँपुर से? जी संभावना तो अभी समय भाजपा प्रत्याशी की ही है, लेकिन टक्कर कांटे की है और संभावना सपा की भी बन रही है जी। समय ये तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, इनका साफ तौर पे कहना है कि शाहजहाँपुर से एक बार फिर भाजपा रिपीट कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो छुटपुट घटनाएं भी हुई उसकी वजह से भी वोट प्रतिशत कम हुआ है। हालांकि आपको ये भी बता दें, पत्रकारों का कहना है कि कई गांवों में बहिष्कार भी हुआ है मतदान केंद्रों पर। ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो भाजपा का जो संगठन है वो काफ़ी मजबूत था, और जो समाजवादी पार्टी का जो संगठन है वो काफ़ी निचले स्तर पर रही, यही वजह रही कि वोट प्रतिशत शाहजहाँपुर का कम रहा। शाहजहाँपुर सक्सेना, भारत समाचार, सत्यमेव जयते।